नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड पर्यटकों के लिए पसंदीदा राज्यों में से एक माना जाता है। कुमाऊं मंडल की बात करें तो यहां सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है नैनीताल। नैनीताल में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह ही नहीं बचती, साथ ही होटलों में कमरे मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर्यटकों को इन्हीं सब मुश्किलों से बचाने के उपाय निकालने के लिए कल नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नैनीताल की टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन मौजूद रहे। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी से पर्यटकों को बेहतर सुविधा पहुँचाने के लिए सुझाव मांगे, साथ ही पार्किंग जैसी समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने ये निर्णय लिया कि सभी निजी वाहनों के लिए रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी और पर्यटकों को शटल सर्विस के माध्यम से नैनीताल लाया जाएगा। बेहतर शटल सर्विस देने के लिए 4 सदस्य टीम बनाई जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी, ARTO, जिला पर्यटन अधिकारी और टैक्सी यूनियन शामिल होगी। इसके साथ ही शहर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए नगर पालिका को स्वच्छता पर खास ध्यान देने की निर्देश दिए। अब पर्यटन सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, चाहे होटल एसोसिएशन वाले हों, टैक्सी यूनियन वाले हों, व्यापारी हों, तो उन सबसे हमारी चर्चा हुई है। तो उसमें लेने के ये रहा कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे, तो जो आप लोगों से हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला तो उस आधार पर तो यही है कि ऐसे टूरिस्ट जिनके पास बुकिंग और अपने वाहन से आ रहे हैं उनको किसी कोई रोकेगा नहीं, और लेकिन ऐसे टूरिस्ट जिनके पास बुकिंग नहीं है और शहर में पार्किंग की व्यवस्था लगभग फुल होने वाली है, तो ऐसी दशा में वो लोग रूसी बाईपास या फिर नारायण नगर से होते हुए आएंगे और उनको शटल सर्विस के माध्यम से यहाँ पे लाया जाएगा। अभी ये बात आए कि जो शटल सर्विस हम लोग दे रहे हैं तो उसमें जो गाड़ियाँ हैं वो उनमें से लग्जरियस जो लग्जरी गाड़ी नहीं है हमारी, तो अभी एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है और उसमें ये बात भी आई है कि इस बार जो शटल सर्विसेज लगाएं उसमें टेंडरिंग की व्यवस्था करें ताकि अच्छी गाड़ियां भी वो लोग लगाएं। तो इसमें सहमति बनाने के लिए एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है, वो कमेटी एक सप्ताह के अंदर डिसाइड करेगी कि ये टेंडरिंग व्यवस्था पर जाना है या वो व्यवस्था जो पुरानी थी उसको लागू करना है। उस लागू व्यवस्था में कुछ अच्छी गाड़ियों का भी समावेश। तो नैनीताल से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।